हां जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? कुशल मंगल? बाल बच्चे सब राजी खुशी? चलो जी, जो पहली बार देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये लंबे लंबे बाल लेकर एक प्राणी सा जो तुम्हें नजर आ रहा होगा, दुबला पतला सा, इसे अमित पोपली कहते हैं। एंड जो पहले जानते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, तो आज हम श्री गणेश करने जा रहे हैं। टैन टैन। हाँ जी, तो बहुत 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 स्वागत है आप सबका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ स्किन क्लासेस के अंदर। और आज हम श्री गणेश करने जा रहे हैं अपने नवंबर 2024 के लिए जो बैच बना है। इनफैक्ट ये वो सभी बच्चे जिनका मई 25 अटेम्प्ट भी है, वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मई 25 एंड नवंबर 24। अच्छा, आज का लेक्चर देखने से पहले क्या हमें कोई ज्ञान होना चाहिए? कौन कहता है? माही गोयल। ना ना बेटा, ना ना, बताओ, कोई ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। सारा ज्ञान जो तुमने फाउंडेशन पे लिया उसे साइड पे रख दो, जो लिया जो नहीं लिया वो सब साइड पे रख दो। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे मान के चलेंगे जैसे आपने फाउंडेशन के अंदर कभी लॉ नाम की चीज नहीं पढ़ी है। ठीक है ना? तो जिनका लॉ वीक था, जिनका लॉ स्ट्रांग था, सब साइड पे रख देना। अब बताओ कैसे हो तुम सब? जोश फुल ऑन होगा, एकदम फुल ऑन, इंटर का जोश। अरे भाई साहब, मुझे याद है जब मेरी फाउंडेशन क्लियर हुई थी ना, मैं इतना खुश था, इतना खुश था। मैंने कहा यही मौका स्टाइल मारने का। नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी, नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी, उसके पास जाके मैं गया और मैंने कहा सुनो, सीए क्लियर हो गई। अब मुझे क्या पता था भाई, वो कर रही है बीकॉम कर रही थी, मुझे क्या पता था इसे सीए की नॉलेज होगी। भाई साहब उसने झंड कर दी, अभी तो फाउंडेशन हुई होगी ना। अरे यार, मैंने कहा इसे भी पता है। तो कहने का मतलब ये है अमृतसर वालों, कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखना, वो क्या कहते हैं कि जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, जिंदगी के कई मुकाम अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। समझ आ गई बात? तो बस यही मान के चलना कि अभी तो पूरा आसमान बाकी है, इंटर है, फाइनल है, मगर यह है कि राह के ऊपर निकल चुके हैं। अब पता है मंजिल सामने है, दो सीढ़ियां और चढ़नी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम की डिग्री हमारे हाथ में होगी और उसके बाद समाज एकदम अलग निगाहों से हमें देखने लग जाएगा, बिल्कुल अलग निगाहों से देखने लग जाएगा। तो हम उस राह पर चल पड़े हैं, उस राह पर चल पड़े हैं। ठीक हो गई इतनी बात? चलो जी, एक मिनट देना बस मुझे। अच्छा, अमृतसर से मैडम ने फोटो भेजी है कि देखो सर, अमृतसर पे कितने सारे बच्चे बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। अमृतसर वालों, हेलो हेलो। चलो जी, कॉपियां निकाल लो अपनी अपनी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। ला 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 ला। कौन सा पेपर है? पेपर नंबर? कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है? अभी तो आया हूं क्लास के अंदर, अभी तो मतलब अभी तो पहली बॉल भी नहीं खेली, पहले टेलीग्राम व्हाट्सएप। अरे मिल जाएगा, रुक तो जाओ। हां जी, पेपर नंबर 2। सीए इंटर। ओहो, स्क्रीन तो आई नहीं, ये देखा? ये ऐसी ऐसी क्वेरी आती है ना, बंदा ही पता नहीं उलझ जाए कहां। हां जी, सीए इंटर ग्रुप नंबर 1। लो जी, अच्छा जो भी मैं लिख रहा हूं उसे क्या लिखना है? देखो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो नैनो में बसा लो और या फिर लिख लो। तो नैनो में कितना बसाओगे? ठीक है ना, कितना बसाओगे, तो इसलिए लिखना ही चाहिए। तो लिखना है नालायक को, लिखना है सबने। आगे बढ़ते हैं, सीए इंटर ग्रुप नंबर 1। ओके, नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस।
कितने मार्क्स का है? टोटल मार्क्स 100। कितने मार्क्स का है जी? 100 मार्क्स का पेपर है। अब इस 100 मार्क्स के पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होगा एमसीक्यूज और एक होगा डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यूज 30 मार्क्स के होंगे और डिस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स के होंगे। एमसीक्यूज 30 मार्क्स के और डिस्क्रिप्टिव होंगे 70 मार्क्स के, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एक जमाना था, आज से केवल एक साल पहले की बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता था, डिफाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डिफाइन पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट वो एक जमाना था। अब पूरा युग बदल गया है, समझ लो। अब ऐसे नहीं होगा कि आपसे ऐसे सवाल पूछ ले। अब क्या होगा? अब आपसे वो केस स्टडी में पूछेगा। अब आपसे वो केस स्टडीज के अंदर पूछेगा कि बताइए क्या होना चाहिए, इस सिचुएशन का जवाब क्या होना चाहिए और इस सिचुएशन में आपकी एडवाइस क्या होनी चाहिए। क्योंकि पहले वो आपको मान के चलता था कि हां अभी ये भोले भाले से बच्चे हैं, परंतु अब वो मान के चल रहा है कि जैसे आप एक एक्सपर्ट हैं और आपको एक्सपर्ट लेवल की एडवाइस भी देनी है। तो यानी कि अब तक जो क्वेश्चन आते थे डिफाइन, डिस्क्राइब, प्रोसीजर, अब क्वेश्चन आएंगे एडवाइस, सजेस्ट, यानी कि केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो मिलेंगे आपको, केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो। ठीक हो गई इतनी बात? चलिए, मार्किंग कैसे होगी सब बताता रहूंगा बेटा, चिंता मत करो, धीरे 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 धीरे। चलिए, तो मैंने कहा जी 30 नंबर के एमसीक्यूज हैं। अच्छा, जैसे ही एमसीक्यूज का नाम सुनते हैं ना, हम दिल से खुश हो जाते हैं, वाह वाह ये 30 नंबर तो पक्के, चलो बाकी 70 पे कंसंट्रेट करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, फाउंडेशन लेवल पे बेशक आपने समरी वाइज कर दिया हो, केवल चार्ट पढ़ा दिया हो मैडम ने कि चार्ट पढ़ के पेपर में चले जाओ, वो जमाना और था, वो फाउंडेशन था, ये इंटर है। यहां पर लॉ की सबसे खास बात यह है कि इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी, इन डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ेगी। आपकी कॉपीज अगर मैं कहूं 400 पेज की, अगर मान लीजिए आपको मैंने कॉपी लगवाता हूं और आपको कम से कम 400 पेज की लगवानी है, तो बिलीव करना 400 पेज में से 150 पेज में तो आप लॉ लिखोगे, 250 पेज केवल एनालिसिस के होंगे। एनालिसिस मतलब जहां हम लॉ की लैंग्वेज को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका। आज ही की क्लास से आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल का एनालिसिस होना है, कैसा कैसा किस किस लेवल का एनालिसिस होने समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? ताकि एमसीक्यू सारे केस स्टडी बेस्ड हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सारे केस स्टडी बेस्ड हैं, ताकि आप इस लायक बन सकें कि उस केस स्टडी जो पेपर में आनी है उसको सॉल्व कर सकें। गेटिंग इट? तो इसलिए केस स्टडी बेस्ड एनालिसिस के लिए ही हम तैयारी करेंगे। अच्छा, टेस्ट भी होंगे, सब कुछ बताता रहूंगा। हाँ जी, टेस्ट होंगे, हर 15 दिन में एक टेस्ट होगा। एक टेस्ट मेरी टीम जिसमें सीए हैं केवल वही चेक करके आपको देंगे, आपको मार्क्स देंगे, और दूसरा टेस्ट महीने का जो दूसरा टेस्ट है वो मैं लूंगा। इसलिए हर महीने में दो सब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू बेस्ड दोनों मिलाकर जैसे पेपर का पैटर्न होता है उस लेवल के टेस्ट बनेंगे। अच्छा, जो मैं टेस्ट चेक करूंगा वो इंडिविजुअली आपसे 1:1 डिस्कशन होगा। कैसे होगा वो डिस्कशन? आज रात को 10 बजे एक डिस्कशन है मई 24 वालों के साथ, मेरे YouTube चैनल पे है, अमित पोपली पे आ जाना, वहां देखना जरा कि किस लेवल का डिस्कशन होता है, कैसे डिस्कस एक एक, एक बच्चे के साथ कैसे कैसे टेस्ट डिस्कस किया जाता है। आज रात को 10 बजे ये डिस्कशन है, जरा वहां देखना, ठीक है, कि तुम्हें पता लगेगा कि टेस्ट की चेकिंग कैसे होती है मेरे साथ। फिलहाल तो इसी तरीके से आपके भी टेस्ट चलेंगे महीने के दो, और ये नहीं कि जब तक सिलेबस चलेगा तब तक टेस्ट होंगे, नहीं, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक ऐसे टेस्ट चलेंगे। तो मतलब 8 महीने हैं आज से नवंबर में, मान के चलो तो 8 × 2 = 16 टेस्ट होंगे इस तरीके से आपके मेरे साथ, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा जी 30 नंबर के ये भी केस स्टडी है और डिस्क्रिप्टिव में भी सारी केस स्टडी है, क्योंकि एक्सपर्ट लेवल का आपको तैयारी करनी है। आप ओके मैंने कहा जी, अच्छा आज का लेक्चर शुरू हुआ है या लेक्चर नहीं, आज पहला लेक्चर ही है, पहले दो डेमोज थे बस। चले, तो मैंने कहा जी सिलेबस का नाम क्या है? सिलेबस का नाम है कॉर्पोरेट, हर चीज जो मैं लिख रहा हूं, एंड अदर लॉस। नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। नाम पता, नाम से पता लग रहा होगा कि एक तो है यहां पर कॉर्पोरेट और एक है अदर लॉस।
जब मैं अदर लॉस की बात करता हूं तो आउट ऑफ 100 मार्क्स में से अदर लॉस जो है वो है 30 मार्क्स का, और जो कॉरपोरेट लॉ है वो है 70 मार्क्स का। अच्छा, कॉरपोरेट लॉ मतलब पता लग रहा होगा, कंपनी से रिलेटेड, कॉरपोरेट्स कंपनी से रिलेटेड लॉ है। हाँ, इसमें दो लॉ आएंगे आपके पास, पहला कंपनी लॉ और दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी लॉ। तो दो लॉज आपके सिलेबस में आएंगे, एलएलपी भी और कंपनी भी। आई होप इतना क्लियर। चले, 30 मार्क्स में मेरे पास आएगा जर्नल क्लॉज एक्ट। जर्नल क्लॉज एक्ट क्या होता है देखेंगे। दूसरी बात, स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून, मतलब ये हमें बताएगा किसी कानून को कैसे पढ़ा जाता है, किसी भी कानून को पढ़ने का तरीका क्या है ये हमें बताएगा। तीसरा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉर एग्जांपल, आपने यूएसए जाना है तो यूएसए में क्या हमारे इंडियन करेंसी लेके जा सकते हो? ले तो जा सकते हो, मगर वहां चलेगी नहीं, तो फिर तो वहां के लिए डॉलर्स चाहिए होंगे, तो कितने डॉलर्स ले जा सकते हो? सिमिलरली, यूएसए से चाचा जी इंडिया आ रहे हैं, क्या उन्होंने आपको कहा कि बेटा मेरे टैक्सी का भाड़ा दे दे, मेरे खाने का बिल दे दे, क्या आप दे सकते हो? नहीं दे सकते हैं। चाचा जी यूएसए वाले इंडिया आए, क्या उनके खाने का बिल तक नहीं दे सकते आप? नहीं, ऐसा कहां लिखा है सर? यहां पढ़ेंगे हम, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सारी बातें। यूएसए में कितना पैसा ले जा सकते हो, यूएसए वाला इंडिया में कितने पैसे ला सकता है, फॉरेन एक्सचेंज कितनी घर पे रख सकते हो, ये सब कुछ यहां पर पढ़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर बहुत ही सुपर डुपर इंटरेस्टिंग एक्ट होगा, बहुत नॉलेज बढ़ाएगा आपकी। तो ये 30 नंबर का अदर लॉज होगा, 70 मार्क्स का कंपनी लॉ होगा। तो इस तरीके से हमारा टोटल सिलेबस बनेगा कितना, 100 मार्क्स का। ठीक है जी, बैक पेज प्लीज। बेटा बैक पेज, इसके पहले तो मैं कुछ लिखवाया ही नहीं है। चलिए यहां तक बताओ जी, कोई भी दिक्कत यहां तक? अब एक छोटी सी चीज देख लेना, छोटी सी चीज, जैसे ही मैं आपको कराऊंगा ना कंपनी, ये 70 मार्क्स का पोर्शन करा रहा हूं, यहां पर हम लोग लॉ पढ़ेंगे, कंपनी लॉ एलएलपी लॉ। यहां पर हम एक्ट पढ़ेंगे, ये स्टैट्यूट भी एक्ट होता है, तो यहां पर भी हम एक्ट पढ़ेंगे। तो यानी कि 30 नंबर के लिए हम लोगों ने एक्ट पढ़ना है, 70 नंबर के लिए हमने लॉ पढ़ना है। हे भगवान, तो अब इन दोनों में फर्क? यस बिल्कुल है। क्या फर्क है देखते हैं, पहले यहां तक जिन्होंने लिख लिया है वो प्लीज मुझे डन का मैसेज दे दो, डन लिख के देना, डन दे दिया, डन का मैसेज। अरे वाह 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 वाह, बच्चे बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, शाबाश शाबाश, कमाल कर दी तुमने, इतना टैलेंट। नॉट डन बट गोइंग टू बी डन, ओए ओए अंग्रेज की ग्रामर। चल यहां ध्यान दे नालायक, चलिए हाँ जी, लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है? देखो जी, एक चीज है लॉ, लॉ के अंदर मैं अगर एक्ट जोड़ दूं प्लस डिसीजंस जोड़ दूं ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑब्लिक हाई कोर्ट प्लस रूल्स जोड़ दूं प्लस रेगुलेशंस जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है लॉ। तो मतलब लॉ तो बहुत बड़ी टर्म है। यस, एक्ट कैसे बनता है, एक्ट कौन होता है, एक्ट क्या होता है, ये बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा।
पार्लियामेंट के द्वारा जो पास किया जाता है वो एक्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उस पर डिफरेंट डिसीजन आते हैं, फिर कई बार उस पर रूल्स बनते हैं, कई बार रेगुलेशंस बनते हैं, तब जाके पूरा लॉ बनता है। कैसे रूल्स और रेगुलेशंस क्या क्यों बनते हैं और क्या फर्क होता है, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कंपनीज एक्ट की चर्चा करता हूं, एग्जाम्पल एक सेक्शन है सेक्शन 149 कहता है एवरी कंपनी एज प्रेस्क्राइब्ड शेल हैव एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लो जी, सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट में यह बात लिखी है, यह एक्ट में लिखी है, एक्ट में सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर यह बात लिखी हुई है, ठीक है जी। इस लाइन को पढ़कर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं, हमारी क्लास का टॉपिक है, हम समझेंगे। फिलहाल मान लो एकदम आजाद डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बिल्कुल भी रिलेट, जो बाकी डायरेक्टर्स के रिलेटिव नहीं होते हैं, बिल्कुल अलग से होते हैं, इसके लिए एग्जाम पास करना पड़ता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। मगर कौन सी कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, क्या ये पढ़कर तुम्हें क्लैरिटी आ रही है? मुझे फाउंडेशन लेवल पे सिखाया गया कि कंपनियां प्राइवेट भी हो सकती हैं, पब्लिक भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, सेक्शन 8 भी हो सकती हैं, कई तरीके की होती हैं। मगर क्या यहां पर बताया गया है कि कौन सी कंपनियां होंगी जहां पर ऐसे डायरेक्टर जिन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं वो आएंगे? हाँ जी, क्या ये पढ़कर क्लैरिटी मिल रही है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनियों में होंगे? लवीश, अभी बताऊंगा बेटा, पहले यहां ध्यान दे। हाँ जी, आपने डेमो में यहां पर वुमेन डायरेक्टर लिखवाया था, डोंट वरी, वो भी 149 में, ये भी 149 में, ठीक है। हाँ जी, क्लियर? सवाल उठा क्या ये क्लियर हो रहा है कि कौन सी कंपनियां हैं? नहीं, क्लियर नहीं हो रहा। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा यानी कि सेक्शन अधूरा है, सेक्शन में पूरी बात नहीं लिखी है। नहीं, पूरी बात नहीं लिखी है, इसका मतलब सेक्शन के ऊपर और ज्यादा रोशनी डालने की जरूरत है, सेक्शन के ऊपर और फर्दर गाइडलाइंस की जरूरत है। बोलो ना। हां, अरे तुम हां बोलते रहा करो यार, बोलो हां। तो क्या मैं कह सकता हूं, वी नीड फर्दर गाइडेंस? To know which companies which company, हमें इस पर फर्दर गाइडेंस की जरूरत है, तभी पता लगेगा कि कौन सी कंपनी। आप प्रशांत की क्वेरी है, क्या सेक्शन याद करने हैं? नहीं बेटा, ध्यान रखना, सेक्शन बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि याद नहीं करने हैं, खून में बसाने हैं, खून में। समझ आई बात? याद नहीं करने, यहां खून में बसे होने चाहिए। कहीं कहीं डॉक्टर कहीं खून टेस्ट ब्लड टेस्ट ले तो ब्लड कम, 5-7 सेक्शन निकल जाए, ऐसा होना चाहिए। समझ आई बात? चलिए, वी नीड फर्दर गाइडेंस, यस। तो इसका मतलब सेक्शन दिलो दिमाग में बसे होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो अब ये फर्दर गाइडेंस हमें कौन देगा? ये सवाल उठा कि ये फर्दर गाइडेंस कहां से आएगी। देखो जी, दो जगह से आ सकती है ये गाइडेंस। शायद ये गाइडलाइंस आपको सरकार खुद दे दे, बाय गवर्नमेंट, और शायद ये गाइडलाइंस आपको सरकार ना देकर सरकार की कोई एजेंसी दे, ये भी पॉसिबल है, बाय एनी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट। अगर तो ये गाइडलाइंस सरकार देती है, अगर ये गाइडलाइंस सरकार देती है, तो इन गाइडलाइंस को हम नाम देते हैं रूल्स। परंतु अगर ये गाइडलाइन सरकार ना देकर सरकार की कोई एजेंसी, अच्छा
सरकार की कोई एजेंसी का नाम बताइए। आपने नाम सुना होगा आरबीआई, नाम सुना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने नाम सुना होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सारी सरकार की एजेंसियां हैं, ठीक है ना। मिनिस्ट्री का मतलब होता है सरकार, तो ये सरकार की एजेंसियां हैं। तो अगर किसी सेक्शन के ऊपर गाइडलाइन सरकार की कोई एजेंसी लेकर आए तो उसे अपन लोग कहते हैं रेगुलेशंस। रेगुलेशंस, लो जी रेगुलेशंस। क्लियर हो गई बात? कि ना कोई हाँ देता है ना ना देता है। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी, अब अगली कथा सुनिएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंपनी लॉ। मैंने कहा जी कंपनी लॉ प्लस एलएलपी लॉ दोनों मिलकर मेरे लिए 70 नंबर के हैं, तो आज मैं कंपनी लॉ शुरू करने जा रहा हूं। अच्छा, मैंने कहा जी मैं आपको लॉ पढ़ाने जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं आपको रूल्स भी पढ़ाऊंगा? हाँ। क्या मैं आपको रेगुलेशंस भी पढ़ाऊंगा? हाँ। क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हम करेंगे? हाँ भाई हाँ। इसका मतलब है हम कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे, 2013 प्लस, दो लाइनें छोड़ के लिखना प्लस, ठीक है। हम कंपनी रूल्स 2014 पढ़ेंगे प्लस हम कुछ जगहों पर सेबी रेगुलेशंस भी पढ़ेंगे प्लस हम वेरियस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी पढ़ेंगे। इतना कुछ? यस, तभी तो 70 नंबर का है। कंपनीज एक्ट 2013, अगर मैं इसके बात करूं तो इसमें टोटल सेक्शंस हैं मेरे पास 470, जिसमें से सीए इंटर में मेरे लिए इफेक्टिव होंगे टिल सेक्शन 148, यानी कि इंटर के सिलेबस में, इंटर के सिलेबस में मेरे पास केवल सेक्शन 148 तक है। ओ, देखा कितना दयावान है इंस्टीट्यूट। बाकी सेक्शन सर अब कब बनेंगे? फाइनल में। कई लोग कहते हैं जी फाइनल में लॉ खत्म हो गया। अरे अब बताओ कैसी कैसी बातें करते हो। 1 मार्च से पोपली का बैच है, आ जाना वहां पर। हाँ जी, सेक्शन 149 टिल सेक्शन 470, ये सीए फिनाले में आएंगे, फिनाले में, ठीक है। क्या ये नोट करना है? हाँ, और क्या बताओ। मैं क्या अपनी हैंडराइटिंग सुधार रहा हूं? करना है, बताओ कैसी कैसी बातें आती हैं। हे भगवान, 148 कम है क्या? अरे पता भी नहीं लगेगा कब 148 हो गए, बताओ। चलिए जी, यहां तक हो गया। यहां तक हो गया। चलिए एक बेसिक सी चीज बताता हूं, ताकि फिर आप मतलब पढ़ने में कभी गलती ना करो, तो इसलिए एक बेसिक सी चीज बताता हूं। सुनना जी, हटा दूं इस चीट को, हटा दूं बुक बेटा 10-15 दिन तक पहुंच जाएगी आपके पास, मगर मुझे पहले 1 महीने तक बुक की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सारी नोटिंग कॉपीज में होनी है, सारी नोटिंग कॉपीज में होनी है। चलिए अब सुनना, हाउ टू रीड एनी सेक्शन,
लो जी, किसी भी सेक्शन को कैसे पढ़ा जाता है, किसी भी सेक्शन को किस तरीके से पढ़ा जाता है, चलो देख लेते हैं किस तरीके से पढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो कैटेगरी के सेक्शन हैं, एक है मान लीजिए सेक्शन 2 ब्रैकेट में 53, ये कहता है जी मैनेजर की डेफिनेशन। फिर आया सेक्शन 2 ब्रैकेट में 54, ये कहता है जी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है उसकी डेफिनेशन। फिर आया जी सेक्शन 2 ब्रैकेट में 68, ये कहता है जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन। ओके ठीक है, लिखते रहना प्लीज। हां जी हां जी, पहला लेक्चर है, पहला अनुष्का पहला लेक्चर है, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं, यहां लिखो सेक्शन 101(1) नोटिस ऑफ मीटिंग हाउ, सेक्शन 101 ब्रैकेट में 2 नोटिस ऑफ मीटिंग व्हेन। अच्छा ठीक है जी, लिख लिया। लिख लिया तो डन का मैसेज दे दो। याद करने की भी जरूरत है, वो भी बताऊंगा बेटा, अभी बताता हूं, वो भी आज की क्लास खत्म होने से पहले ही बताऊंगा। ठीक है, अब सुनो जी, इसको मैं क्या पुकारूंगा, नाउ दिस इज कॉल्ड एज सेक्शन 101 सब सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। अच्छा ऐसा क्यों, रीजन समझना। 101 एक के अंदर क्या लिखा है, नोटिस ऑफ मीटिंग के बारे में कहता है जी कैसे दिया जाएगा। 101 दो क्या कहता है, नोटिस ऑफ मीटिंग के बारे में कि कब दिया जाएगा। ओके, क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों सेक्शंस के बीच में आपस में कनेक्शन है, क्या ये दोनों एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्या चर्चा का जो मुद्दा है वो एक ही है। हां, क्योंकि चर्चा का मुद्दा एक ही है, क्योंकि एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ही मुद्दा, मुद्दा क्या है, नोटिस ऑफ मीटिंग। नोटिस ऑफ मीटिंग यानी कि मीटिंग किसकी, मेंबर्स की, शेयर होल्डर्स की मीटिंग की बात करेंगे हम अगली 2-3 क्लासेस में। तो यानी कि जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, मेंबर्स की मीटिंग होगी, तो यानी कि उस मीटिंग को कब कैसे बुलाया जाएगा, कब बुलाया जाएगा। तो क्या चर्चा का मुद्दा एक ही है, वो क्या है, नोटिस ऑफ मीटिंग। तो दोनों में आपस में कनेक्शन है, क्या दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्या दोनों आपस में एक ही बात, एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हां, इसे कहा जाता है कि ये आपस में कनेक्टेड हैं, एज दे आर कनेक्टेड, क्योंकि एक ही मुद्दे पर बात चल रही है, इसलिए जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सब सेक्शन। यानी कि जब भी सेक्शन आपस में जुड़े होंगे, एक ही मुद्दे पर बात करेंगे, तो उनके आगे जो पहला ब्रैकेट होगा वो क्या कहलाएगा, सब सेक्शन कहलाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, लिख लिया यहां तक। तो अब आप इसे क्या पुकारोगे, सेक्शन 101 सबसेक्शन 1 सेक्शन 101 सबसेक्शन 2। ठीक है जी, चले अब आइए लेफ्ट हैंड साइड पर, सेक्शन 253 मैनेजर के बारे में बताता है, 254 मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में बताता है, 268 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बता रहा है। क्या आपको लग रहा है कि आपस में ये कनेक्टेड है, कहीं कोई कनेक्शन आपस में मालूम हो रहा है, नहीं, सब अलग अलग चीजें बता रहे हैं, कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, एस दे आर नॉट कनेक्टेड, क्योंकि आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो
तो इसलिए जो पहला ब्रैकेट है वो क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। ये पहला ब्रैकेट है, दिस इज कॉल्ड एज क्लॉज। तो पहला ब्रैकेट क्या कहलाएगा, क्लॉज। अब आपको कैसा पता लगेगा कि पहला ब्रैकेट सबसेक्शन पुकारो या पहला ब्रैकेट क्लॉज पुकारो, ये बात आपको कैसे पता लगेगी, ये सोच के देखो कि कैसे पता लगेगी कि पहला ब्रैकेट को मैं क्या पुकारना शुरू करूं। अब लॉ कहता है भाई यहां पे भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत यहां पर नहीं है कि पहला ब्रैकेट को मैं सबसेक्शन पुकारूं या क्लॉज पुकारूं। क्यों? क्योंकि लॉ बड़ा सीधा सा समाधान देता है। वो क्या कहता है, देखो जी जब भी लॉ बनाया जाता है ना लॉ मेकर्स के द्वारा, अच्छा एक टर्म शायद फाउंडेशन से चल रही होगी, लॉ मेकर होता क्या है, लॉ मेकर होता है ऐसा व्यक्ति जो कि लॉ बनाता है। और यहां ये कौन होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, भाई साहब इसमें आते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस रह चुके हैं वो लोग आते हैं, ठीक है। तो ये लोग मिलकर लॉ बनाते हैं, इन्हें लॉ मेकर कहा जाता है। तो जब भी लॉ मेकर लॉ बनाते हैं तो हमेशा ध्यान देते हैं कि एक साथ जुड़ी हुई सारी चीजों को एक साथ डाल दें। तो इसलिए सारे के सारे सेक्शंस में हमेशा सबसेक्शन आते हैं, सभी के सभी सेक्शंस को सबसेक्शन के साथ जोड़ा जाता है। तो हर सेक्शन के लिए, इसलिए हर सेक्शन के साथ में आप सबसेक्शन जोड़ देते हो। परंतु जब भी डेफिनेशंस बनाई जाती हैं, जब भी डेफिनेशंस बनाई जाती हैं, तो डेफिनेशंस हमेशा हर टर्म की अलग अलग रखी जाती है। तो इसलिए डेफिनेशन वाले सेक्शन के अंदर हमेशा क्लॉज कहा जाता है, डेफिनेशन के साथ हमेशा क्लॉज वर्ड जुड़ता है, क्योंकि डेफिनेशन हर टर्म की अलग अलग होती है, इसलिए डेफिनेशन के साथ जुड़ता है क्लॉज, और डेफिनेशन के अलावा हर सेक्शन के साथ जुड़ता है सबसेक्शन। इतनी बात क्लियर हो गई, बताइए हां या ना। क्लियर? तो इसे पुकारिएगा आप लेफ्ट हैंड साइड पे, सेक्शन टू ब्रैकेट में 54, इसे क्या कहेंगे आप, सेक्शन टू ब्रैकेट में 54 क्या कहेंगे आप इसे, सेक्शन टू क्लॉज 54। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन के सेक्शन में, सचिन शुक्ला जी, डेफिनेशन के सेक्शन में ध्यान रखना हमेशा क्लॉज पढ़ा जाता है, क्योंकि डेफिनेशन हर एक चीज की अलग 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 होती है, इसलिए डेफिनेशन को हमेशा क्लॉज से पढ़ा जाता है। डेफिनेशन के अलावा हर सेक्शन को हमेशा सबसेक्शन के रूप में पढ़ा जाता है, ठीक है। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट में आपको दो और सेक्शन मिलेंगे सेक्शन टू के अलावा जिन्हें क्लॉज पढ़ा जाएगा, सेक्शन 10 और सेक्शन 47। वहां पे जाके मिलेंगे आपको कि दो और सेक्शन होंगे 10 भी और 47 भी, जहां पे क्लॉजेस पढ़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज वहां पर हर ब्रैकेट में अलग अलग होगी, मगर पूरे लॉ के सिलेबस में ना इंटर में ना फाइनल में आपको सेक्शन टू के अलावा कभी कोई ऐसा सेक्शन नजर नहीं आएगा जहां पर हम क्लॉज पढ़ते हो। इतनी बात क्लियर हो गई, हम केवल सेक्शन टू में, केवल सेक्शन टू के अंदर क्लॉज पढ़ते हैं, क्योंकि टू के अंदर डेफिनेशंस आती हैं और डेफिनेशन हर चीज की अलग अलग होती है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए उसे क्लॉज कहा जाता है। डेफिनेशन के अलावा सारे सेक्शनों में आपस में कनेक्शन होता है, इसलिए उन्हें सबसेक्शन कहा जाता है। आई होप कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज मैं अब कंपनी लॉ के अंदर डेफिनेशंस कुछ शुरू कर रहा हूं, आज की और कल की क्लास तक डेफिनेशंस चलेंगी, और परसों से फिर मैं एक फ्रेश चैप्टर शुरू करूंगा। आज और कल जो डेफिनेशंस चलेंगी शायद आपने पढ़ी भी होंगी फाउंडेशन लेवल पर, मगर वो पढ़ी होंगी, अब आप इन डेप्थ एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे, दोनों में फर्क आ जाएगा, देखते हैं कैसे, देखना। शुरू करते हैं जी पहली डेफिनेशन, चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं बेसिक्स, बेसिक्स, ठीक है जी। आज हम सबसे पहली डेफिनेशन करने जा रहे हैं, आपने ब्लैक या ब्लू पेन से लिखना है और रेड कलर का पेन अपने पास रखना, जिसका यूज मैं आपको बता दूंगा कि कब होगा, अभी पता लग जाएगा रेड कलर का पेन का यूज कहां होगा। फिलहाल ब्लू या ब्लैक से लिखना, मैं अगर पेन चेंज कर भी रहा हूं तो तुमने नहीं करना, तुमने ब्लैक या ब्लू का यूज करना है जब तक कि रेड का यूज मैं ना बताऊं, और कहां यूज होगा केवल एनालिसिस के लिए।
रेड पेन केवल एनालिसिस के लिए यूज होगा, वो मैं बता देता हूं कैसे, कब, कैसे होगा यूज, अभी देखते रहना। पहले लिखना पहला डेफिनेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन टू ब्रैकेट में 20, पुकारो क्लॉज या सबसेक्शन, क्लॉज या सबसेक्शन, क्लॉज क्योंकि सेक्शन टू है, ठीक है। चलिए कंपनी मींस अ कंपनी, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। लिखो जी लिखो, लिखने के बाद एक बार डन का मैसेज दे दो। लिख लिया। चलिए अब सुनना लवीश, दो मिनट रुक जाओ। अब आपने क्या करना है, पेन चेंज कर लो आप। अब आप करना उठाना रेड कलर का पेन, और रेड कलर के पेन से आपने बॉक्स बनाना है। बंद मत करना बॉक्स को जब तक खत्म ना हो जाए, मैं बता दूंगा। ये डब्बा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखेगा आपके लिए। आपकी कॉपीज के लगभग 400 से 600 पेज आपके सिलेबस में भरेंगे, जिनमें से मान के चलो कि 400 के करीब पेज या 350 से 400 पेजेस केवल इस डब्बों से भरेंगे, और इस डब्बे का नाम होगा एनालिसिस। एनालिसिस चार सौ से 600 बढ़ा दिया, मतलब एक रजिस्टर 400 पेज का होता है, तो बच्चों के पिछले बैच में डेढ़ रजिस्टर यूज हुए थे, 1.5, तो मैंने इसलिए 600 कहा ना। चलिए एनालिसिस यानी कि इतना एनालिसिस आपने लॉ में करना है। अच्छा दुख पता कब होता है, मैं आज पहली क्लास में यह बता देता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी ये बताने में। दुख कब होगा, दुख तब होता है जब बैच की पहले क्लास में जब बच्चे बैठे होते हैं, उन्हें मैं ये बात बताता हूं कि बेटा एनालिसिस इतना एनालिसिस होगा, सब हो गया, उसके बाद एंड में क्या होता है, एंड में क्या होता है कि सर कोई समरी बुक है, सर कोई चार्ट वगैरह है क्या, सर कोई मैराथन ले लो, सर मैराथन लेके फटाफट पढ़ा दो, अब बाकी पढ़ने का टाइम नहीं है। 50% बच्चे मैराथनों के सहारे, समरी बुक के सहारे और चार्ट्स के सहारे जाते हैं। अगर तुम्हें इन्हीं का सहारा लेना था तो लॉ की कोचिंग में तुमने ज्वाइन क्यों किया। यूट्यूब पे सारे टीचर पढ़े हुए हैं, किसी की भी टीचर की समरी क्लासेस देख लो और चार्ट्स वाली क्लासेस देख लो, तो तुमने माता पिता के इतनी मेहनत क्यों खराब की, अपने इतने घंटे मेरे साथ 150 घंटे क्यों खराब किए, करने की जरूरत नहीं थी। और जब आपको मैं इतना इन डेप्थ एनालिसिस करा रहा हूं तो क्यों करा रहा हूं, क्या मैं अपनी ज्ञानबाजी पेल रहा हूं फालतू में, नहीं, वो इसलिए क्योंकि आजकल के पेपर का लेवल ये हो गया है, इसलिए ये ध्यान रखना आपने इन्हें करना ही करना है, करना ही करना है। देखो रेड पेन से लिखो या किसी भी पेन से लिखो, इस एनालिसिस में ये आपकी इच्छा है, मगर बॉक्स जो है रेड पेन से बनाना, ठीक है। चलिए अब इसी समस्या का समाधान मैंने इस बार किया है, अब तुम नहीं सुधरोगे तो पोपली बिगड़ेगा, तो मैंने यही किया। अब मैंने क्या किया पूछो, 1 मार्च से अब रोज का 1 घंटा गूगल मीट पे रोज रात को मैं बैठूंगा,
रोज 1 घंटा मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, 1 घंटा लॉ के लिए और 1 घंटा ऑडिट के लिए, इंटर ऑडिट के लिए, जहां पर वो वक्त होगा केवल मेरे साथ बैठकर आप लोग अपने अपने घरों पर बुक्स अपनी या कॉपीज खोलोगे अपने अपने घरों पर और मेरे सामने बैठ के पढ़ोगे। अगर पढ़ते हुए किसी चीज में आपको दिक्कत आई तो उसी टाइम आप गूगल मीट पे हैंड रेस करके मुझसे पूछ लोगे, मगर मेरे सामने उस चीज को याद करोगे, ग्रेस्प करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। ये 1 मार्च से ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू होने वाला है। नवंबर वाले भी और मई वाले भी बैठेंगे वहां, पढ़ना तो सब नहीं है तो क्या दिक्कत है, समझ आई बात? तो ये हम एक टाइम रख देंगे 8 से 9, बिल्कुल अपना टाइम, वो केवल लॉ के लिए टाइम रखना उस टाइम कि 8 से 9। अब आपका आधे घंटे में क्लास का खत्म हो जाए सिलेबस तो भी कोई दिक्कत नहीं, 40 मिनट में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 20 मिनट में हो जाए तो निकल लेना, मगर वो 1 घंटा मैं बैठा हूं गूगल मीट पे आपके साथ कि भाई मेरे साथ बैठ के पढ़ो, मैं भी बैठा हूं तुम भी बैठोगे मेरे साथ। तो जैसे मम्मी पापा बैठ के सामने पढ़ाते थे ना, समझ लो वही कल्चर ला रहा हूं मैं 1 मार्च से, कि अब देखते हैं रिजल्ट कैसे नहीं आते। चलिए भाई साहब, मुझे इस बैच का नाम आप 2 तरीके से कह सकते हो, या तो कह दो कि हां जी नवंबर 2024 का बैच है, और या फिर आज इस बैच को हम नाम देते हैं टारगेट 70+ बैच। लो जी, इसका नामकरण ही आज हो गया है टारगेट 70+ बैच, ये आज इस बैच का नाम डल गया है क्योंकि टारगेट ही 70 है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब टेलीग्राम ग्रुप भी इसी नाम से बनेंगे। चलिए अब आते हैं एनालिसिस पर। देखो जी, एनालिसिस में सबसे पहली चीज हमें क्या समझना है, समझिएगा, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है मींस, अंडरलाइन कर देना। अच्छा, अंडरलाइन जो है अगेन रेड पेन से ही करना, अंडरलाइन कर देना, मैं भी रेड पेन ही यूज करता हूं ये। ओके, फिर आया है अंडर डिसेक्ट, नोट नंबर 1, एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट, नोट नंबर 2, दो नोट बनेंगे, और ये मींस भी एक वर्ड आया है मींस। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी डेफिनेशंस आती हैं, जब भी डेफिनेशंस आती है ना, तो डेफिनेशंस में या तो वर्ड दिया जाता है मींस और या फिर वर्ड दिया जाता है इंक्लूड्स, 2 तरीके के शब्द डेफिनेशन के अंदर हो सकते हैं, या तो मींस या फिर इंक्लूड्स। जब भी वर्ड आ जाए मींस, तो मींस का मतलब होता है कि जो लिखा है बस वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, इसे कहा जाता है एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, जिसका मतलब है जो है बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लो जी, जो है बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, दिस इज कॉल्ड मींस। फिर आती है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब वो डेफिनेशन इंक्लूसिव नेचर की है। इंक्लूसिव नेचर का मतलब होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो तो है ही है, बाकी भी सब कुछ है, बाकी भी और बहुत कुछ है, जो आप पढ़ रहे हैं वो तो है ही है, बाकी और बहुत कुछ है, इसे कहते हैं इंक्लूड्स। ठीक है, यानी कि ये तो है और भी बहुत
कुछ है। ये तो है ही है और भी बहुत कुछ है, ये तो है ही है और भी बहुत कुछ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो एक डेफिनेशन होगी मींस, एक होगी इंक्लूड्स। जब भी मींस आ जाए तो मतलब बस यही है यार, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है भाई, जो दिया हुआ है ना बस यही है, इसके अलावा बिल्कुल भी और कुछ नहीं है। तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। तो कंपनी की डेफिनेशन क्या है? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, तो मतलब जो दिया हुआ है ना बस वही कंपनी है, उसके अलावा कंपनी में और कुछ नहीं आता। ठीक है, और में एक और मात्रा भी आएगी बेटा, जहां तक मैं हिंदी जानता हूं ये और एक ही आएगा शायद, ये वाला दूसरा वाला आ रहे हैं, और भी बहुत कुछ है। एक आएगी, दो आएगी, तू अपना यहां जब पढ़ो यार, तुम पता नहीं कैसे बात कर रहे हैं, व्याकरण का टेस्ट हो रहा है क्या मेरा ये? हैं, दो ही आएंगी? अच्छा, तो मेरी हिंदी इतनी वीक हो गई? हम हिंदुस्तानी। चलो जी, सैटरडे को क्लास है, ये बेचारा इतना परेशान हुआ है पढ़ाई इतनी देर से कि सैटरडे को क्लास है, सैटरडे को क्लास है, सैटरडे को क्लास है, सैटरडे को क्लास है, नहीं है, मंडे टू फ्राइडे का बैच है। बताओ, अब हटा दूं भाई? हटा दूं? डब्बा कंटिन्यू है अभी भी, डब्बा कंटिन्यू है, डब्बा कंटिन्यू है। हमें और जीने की। अच्छा सुनना, ओहो भाई, पॉसिबल है, पहले वैधानिक चेतावनी, ऐसा हो सकता है कि आज आप घर पे जाओ, वैसे तो घर पे ही बैठे होगे, मगर मान लीजिए सेंटर पे क्लास ले रहे हो या फिर घर पे ही बैठे हो, शाम तक फोन आ जाए कि हाँ जी पोपली सर ने क्लास में गाना गाया था, आप कहो हाँ, तो शायद फोन पे वो मांगे कि सर वो ये जो गाने के 2,000 रुपए अलग हैं या 2,500 रुपए अलग हैं, आपने नहीं देने, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, समझ गए? ये गाने जो आपको सुनने को मिल रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री है, क्लासेस के साथ फ्री हैं, कहीं कोई चार्जेस ना मांग ले, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि आपने डिसाइड करना है, डिसाइड इफ फॉलोइंग आर कंपनी। लो जी, आपको बताना है कि ये नीचे दी गई सब के सब ये कंपनी है या नहीं है। अच्छा जी, नेम इनकॉर्पोरेटेड इफ कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। अच्छा, आप भी पेपर में अंडर सेक्शन ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, पहला टाटा मोटर्स कंपनीज एक्ट 1956, सेकंड रिलायंस जियो कंपनीज एक्ट 2013, थर्ड गूगल। हाँ जी, बताओ जी, पहली वाली कंपनी है? यस yes. दूसरी वाली है? यस yes. क्योंकि लिखा है अंडर दिस एक्ट या फिर इससे पिछले किसी भी कंपनीज एक्ट में। ठीक है, तीसरी वाली कंपनी है? नो no. अच्छा, क्यों नहीं है तीसरी वाली कंपनी? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जन्म भारत के बाहर हुआ है, तो भारत के बाहर हुआ, यूएस में हुआ, तो इसका मतलब ना तो ये कंपनी एक्ट 2013 में बनी होगी, ना 1956 में, ना ही उससे पिछले और किसी कंपनीज एक्ट में बनी होगी। ओके ओके, ठीक हो गई इतनी बात। तो इसका जन्म ना तो कंपनीज एक्ट में हुआ 2013 में हुआ, ना 1956 में हुआ,
ना ही पिछले किसी कंपनीज एक्ट में हुआ, इसका जन्म यूएसए में हुआ है। और कंपनी एक 2013 और 1956 हमारे देश का है, यूएसए का नहीं है। ठीक है, चलिए क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ जी, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए जी, अगली डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। दूसरी डेफिनेशन है मेरी, जिसका नाम है प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हाँ जी, हाँ जी, वो बॉक्स क्लोज कर दो प्लीज, वो वाला बॉक्स क्लोज कर दो। सेकेंड डेफिनेशन, बॉक्स के बाहर आ जाओ, बॉक्स के बाहर, बॉक्स बंद कर दो पिछला वाला, ये बॉक्स बंद कर दो जी। अब बाहर आ जाओ बॉक्स के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, खुले में आ जाओ सब, खुले में। सेक्शन टू, पुकारो मेरे साथ, क्या पुकारोगे? सेक्शन टू, सेक्शन टू क्लॉज 68, सेक्शन टू क्लॉज 68, ठीक हो गई इतनी बात? अरे बोलो ना। हाँ, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मींस अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंपोज फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंपोज अ फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस। ओके, पहला रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इफ एनी। एक लाइन छोड़ के लिखना, लिमिट द मैक्सिमम। सर ये तो फाउंडेशन में भी की थी बेटा, तब की थी, आज समझोगे। लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200 प्रोवाइडेड एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज हु ऑब्टेन्स शेयर्स ऑफ कंपनी ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड प्रोवाइडेड फर्दर दैट जॉइंट मेंबर टू बी कंसीडर्ड एज सिंगल मेंबर। पहले लिख लो यहां तक और डन दे दो। लिख लो यहां तक, लिख लो और डन का मैसेज दे दो भाई।
लिया। सर हाथ दुख गया, कौन है ये? यूसुफ खान। नालायक। च्यवनप्राश खाया कर, बताओ। हाथ दुख गया, लिख लिया। लास्ट कंडीशन, और फिर हम एनालिसिस शुरू करेंगे। थर्ड प्रोहिबिट एन इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज। प्रोहिबिट एन इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज। बस अब शुरू हो रहा है जी एनालिसिस। लो जी, यहां पर हम शुरू करने वाले हैं अब एनालिसिस। अब सवाल उठा, किस किस पे, किस किस चीज का एनालिसिस होगा? लेट अस सी किस किस चीज का होगा। शुरू करूं? जी, किस किस चीज का एनालिसिस होगा? आर्टिकल का मतलब क्या होता है, हम ये समझेंगे पहले। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? नोट नंबर वन। अच्छा, फिर वर्ड आया रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? नोट नंबर टू। ओके, फिर ये पूरी की पूरी कंडीशन, नोट नंबर तीन। तो इसके लिए बनेगा नोट नंबर तीन। हो गई नोटिंग यहां तक? हटा दूं, हटा दूं। फिर नोट नंबर चार इसके लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आता हूं नोट नंबर वन पर। आर्टिकल क्या होता है? चाहे आर्टिकल कह दो, चाहे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कह दो, AOA, बात एक ही है। आर्टिकल या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों में से कुछ भी लिखाओ, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आज क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मुरादाबाद या अमृतसर, दोनों सेंटरों पे या गाजियाबाद सेंटर पे जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, अब हुआ क्या है? मैंने इन तीनों सेंटर्स को आज कहा था कि जैसे ही बच्चे आए तो फिर इन्हें एक काम करना, मेरी फोटो दिखाना, और मेरी फोटो दिखाकर इनसे पहले कहना कि एक कागज पढ़ो, एक कागज इनके हाथ में देना। क्यों? अमृतसर वालों, मुरादाबाद वालों, सबने आज किया कि नहीं? तो इन सबने क्या किया, आज एक कागज पकड़ा, मेरी फोटो सामने थी, इसमें पढ़ते हुए इन्होंने बोला था, तब क्लास में इनकी एंट्री हुई कि हम आज कसम खाते हैं कि लॉ का बैच पोपली का शुरू हो रहा है, और पोपली का मतलब दो से लेकर 4:30 तक क्लास होती है, और पोपली का मतलब भी 2 बजे है, तो पूरे 2 बजे हम यहां पर पहुंच जाएंगे। क्लास में कोई कुरकुरे, कोई चिप्स, कोई चाय पानी की बात नहीं करेगा, क्लास में कोई गप्पे नहीं मारेंगे। अच्छा, जब इन्होंने पढ़ा तो मेरी फोटो की तरफ देखकर इन्होंने बोला कबूल है। ओके, तब वहां पर अमृतसर या मुरादाबाद में एंट्री ने मिली, ठीक है? यही हुआ कि नहीं हुआ? यही हुआ। ठीक है, किसी ने झूठ बोला हो तो? अरे देखते हैं ना फिर क्या हुआ। तो अब क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी क्लास अगर अटेंड करनी है तो ये इस रूल का पालन करना पड़ेगा? हाँ भाई साहब, पोपली की क्लास 2 बजे होती है, और गलती से अगर मैं 2:02 पे आऊं तो ये मत कहना कि सर 2:02 हो गए हैं। तुम ये कह सकते हो कि पोपली 2:02 हो गए हैं। बात समझ आ गई तुम्हें? चले, तो अब हुआ क्या? हुआ ये भाई साहब कि मैंने कहा कि मेरी क्लास अटेंड करनी है तो इस कानून का पालन तो करना ही करना पड़ेगा। ये मेरे क्लास के रूल्स हैं,
सिमिलरली कंपनीज के भी कुछ रूल्स होते हैं जिन रूल्स का पालन कंपनी के शेयर होल्डर्स को करना पड़ता है और कंपनी को भी करना पड़ता है। अपनी क्लास के रूल्स का पालन मुझे भी करना पड़ेगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो ये रूल्स हैं क्या? इन्हें कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जिस डॉक्यूमेंट पे ये लिखे जाते हैं उसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर रूल्स लिखे जाते हैं जिसका पालन कंपनी और उसके मेंबर्स को करना पड़ेगा। तो यानी कि मींस अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रूल्स टू बी फॉलोड बाय कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। लो जी, बताओ जी, बताओ, यहां तक कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नोट नंबर टू के ऊपर। नोट नंबर टू, एक वर्ड आया है रेस्ट्रिक्ट। हां जी, सेकेंड पॉइंट में वर्ड क्या आया है? रेस्ट्रिक्ट। ये रहा रेस्ट्रिक्ट। तो रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट, देखो जी, लॉ में ना दो तरीके के शब्द आपको कई बार देखने को मिलते हैं। एक शब्द है रेस्ट्रिक्ट और एक शब्द होगा प्रोहिबिट। बताओ, एक पूरी डेफिनेशन में एक जगह वर्ड प्रोहिबिट भी आया है, कहां पर आया है? ये देखो, प्रोहिबिट। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि भाई साहब ये चीज पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, मगर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। यानी कि ये चीज पॉसिबल तो है मगर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस पूरी हो जाएं तो ये पॉसिबल है। ओके, परंतु अगर प्रोहिबिट आ गया कहीं पर तो उसका मतलब है उठाओ लोटा, चलो हरिद्वार और जोर जोर से बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। ओ अच्छा, अगली बात। क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स कभी ट्रांसफर हो सकते हैं? सोच समझ के बताओ हां या ना। वर्ड कौन सा यूज हुआ है? वर्ड, सारा तो वर्ड का गेम है। वर्ड बताओ मुझे, कौन सा यूज किया गया है वहां पर? रेस्ट्रिक्ट या प्रोहिबिट? रेस्ट्रिक्ट या प्रोहिबिट, कौन सा वर्ड यूज हुआ है? रेस्ट्रिक्ट। तो रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? क्या कंप्लीटली इंपॉसिबल या पॉसिबल सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस? तो आप कह सकते हैं पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो यानी कि कंक्लूजन क्या निकला कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं अगर कुछ कंडीशंस का पालन कर लिया जाए, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। अच्छा, अब वो रेस्ट्रिक्शन क्या होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो रेस्ट्रिक्शंस क्या होगी, वो कहां पर दी जाएगी वो रेस्ट्रिक्शन? बताइए, वो रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन कहां पर दी जाएगी? हां, स्क्रीन गॉन, मुझे पता है, मुझे पता है। हां, कहां पर दी जाएगी? फटाफट बताओ, वो कंडीशन कहां पर दी जाएगी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंपनी के आर्टिकल में दी जाएगी। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। तो यानी कि कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कुछ कंडीशंस डालेगा जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं, और उन कंडीशंस का पालन करते हुए ही शेयर्स का ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, अब सर कोई एग्जांपल दो ना कि मतलब कैसी कंडीशंस होती है। देखो, ऑलमोस्ट सभी के सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां एक ही रेस्ट्रिक्शंस डालती हैं, बिल्कुल एक ही रेस्ट्रिक्शंस डालती हैं। वो रेस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं? अभी मैं तुम्हें पीपीटी में दिखाता हूं, तभी मैंने स्क्रीन चेंज की थी क्योंकि मुझे पीपीटी लानी थी। मीनवाइल पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर पीपीटी पे लाता हूं। हां जी, लिखिएगा।
कंक्लूजन शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू कंडीशंस इन आर्टिकल ऑफ कंपनी। जी, लिखने के बाद डन दे दीजिएगा। तो शेयर ट्रांसफर हो तो सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशंस इन द आर्टिकल। शेयर ट्रांसफर हो तो सकते हैं बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन इन द आर्टिकल। ठीक है, चलिए। आर्टिकल तो कंपनी ही बनाती है। यस, कंपनी बनाती है अपना आर्टिकल, तो कंपनी उस आर्टिकल में रेस्ट्रिक्शंस डाल देगी। ट्रांसफर ऑफ शेयर और सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में क्या फर्क है माही, आपको अगली क्लास तक जब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन या फिर थर्ड पॉइंट हो जाएगा ना तो आपको पता लग जाएगा। ये जैसे ही आएगा पता लग जाएगा डिफरेंस अपने आप। चलिए, अब सवाल उठा, सर कौन सी कंडीशन डाली जाती है नॉर्मली। मैंने कहा 100% कंपनियां एक ही कंडीशन डालती हैं। अच्छा, वो कौन सी कंडीशन है, इसी नोट के अंदर लिखेगा। जनरली फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन इज इंपोज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जी, कौन सी रेस्ट्रिक्शन डाली जाती है हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आर्टिकल के द्वारा इफ एनी मेंबर इंटेंट्स, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, इंटेंट्स टू ट्रांसफर हिज शेयर्स कॉमा दे शैल बी ऑफर्ड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ बोर्ड फेल्ड टू सर्च एनी सूटेबल बायर विद इन 5, 7, 10, 12, 15, 30, 40, 45, 90 डेज डिपेंड अपॉन आर्टिकल ऑफ कंपनी। हर कंपनी के आर्टिकल में अलग हो सकता है। मेंबर एट हिज ओन मे ट्रांसफर दीज शेयर्स टू एनी पर्सन। लो जी,
लगभग सारी की सारी प्राइवेट कंपनियों में यही रिस्ट्रिक्शन होती है, लगभग सभी में। मेंबर एट हिज ओन मतलब अपनी इच्छा लिख दो, ओन विल, अपनी इच्छा से मे ट्रांसफर दीज शेयर्स टू एनी पर्सन, तो वो किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। चलो जी, क्लियर हो गई? हाँ हाँ, एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुना? मैंने कहा 100% कंपनियों के आर्टिकल में एक रेस्ट्रिक्शन होती है एक जैसी, वो क्या, कि अगर कोई भी मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन, वो अपने शेयर किसको ऑफर करेगा, सबसे पहले वो शेयर किसको ऑफर करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन शेयर्स के लिए कोई सूटेबल बायर ढूंढेंगे। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितने दिन दिए गए हैं ये बायर ढूंढने के लिए, कितने दिन दिए गए हैं? लॉ कहता मैं नहीं जानता, ये कंपनी के आर्टिकल में लिखा होगा। कुछ कंपनियां 5 कहती हैं, कुछ 7, कोई 10, कोई 12, कोई 15, कोई 30, कोई 40, कोई 45, कोई 90, कोई 20, कोई 25, हम नहीं कह सकते इसमें, ये कंपनी के आर्टिकल पे डिपेंड करेगा। तो यानी कि अगर किसी कंपनी ने 30 दिन दिए हैं, मान लो आर्टिकल में लिखा है 30 दिन, तो जब मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास 30 दिन है किसी सूटेबल बायर को ढूंढने के लिए। अगर वो ढूंढ पाए तो अच्छी बात है, नहीं ढूंढ पाए तो फिर ये मेंबर अपनी इच्छा से किसी को भी शेयर ट्रांसफर कर सकता है। हां, अपनी इच्छा से किसी को भी शेयर ट्रांसफर कर सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, पहले मुझे ये बता दो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नहाता है ले 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 ले, बताओ कितनी दिक्कत आती है, ये बेचारा दुबला पतला आदमी केवल बोलता रह जाता है। हाँ जी, ना हाँ ना ना, ब्लैक वाले को एक बार पूरा रीड कर दीजिए। चलो जी, रीड कर देते हैं ब्लैक वाले को, बताओ जान मांगी होती, कमाल कर दिया तुमने। हाँ जी, ये पहले एक देखना जरा ये। हाँ जी, अब हुआ क्या, आप जानते होंगे ये पोपली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, मान लीजिए। क्या है ये? पोपली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ओके। अब हुआ क्या, आप इसको भी जानते होंगे, ये सैम बहादुर का रोल जिन्होंने किया, और ये तो जानते ही होंगे, कई बार पोपली एंड कैटरीना के एग्जाम्पल शायद आपने सुने हो, और जिन्होंने नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं, अब सुनोगे बैच के अंदर। खैर, आजकल तो एग्जाम्पल्स में नोरा आ गई है, क्योंकि ये किसी और की हो चुकी है, अब पराई हो चुकी है। चलिए, खैर वो भी क्या दिन थे। अब हुआ क्या, ये विक्की कैटरीना को अपने शेयर्स बेचना चाहता था, कैटरीना को अपने शेयर्स बेचना चाहता था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या ऐसे ही उठा के ये शेयर्स बेच सकता है क्या किसी को? बोलो, क्या ऐसे ही उठा के ये शेयर्स किसी को बेच सकता है? नहीं। स्टेप नंबर वन बताओ कितना क्या होगा, सबसे पहले ये शेयर किसे बेचने होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। लो, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीच में आ गए, इन्होंने कहा ठहरो 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 ठहरो, अच्छा आप ये शेयर नहीं बेच सकते। ओ, इनका कहना था बायर वो होगा जो मैं ढूंढ के दूंगा। बताइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कितने दिन हैं बायर ढूंढने के लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कितने दिन हैं? कुछ भी हो सकता है, एक दिन, दो दिन, पांच दिन, दस दिन, सात दिन, आठ दिन, नौ दिन, ग्यारह दिन, बारह दिन, पंद्रह दिन, आर्टिकल पे डिपेंड करेगा भाई, हम नहीं बता सकते, आर्टिकल में दिए होंगे। मान लो कंपनी के आर्टिकल में दिए हुए हैं 30 दिन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुझे सूटेबल बायर ढूंढना है कितने दिन में? 30 दिन में। ये निकल पड़े सूटेबल बायर ढूंढने के लिए, इनको मिला मैं, मेरे पास आए, कहने लगे हाँ क्या शेयर लोगे? मैंने कहा अब क्या फायदा, ये वैसे ही इसकी हो चुकी है, अब मैं बीच में अड़ंगी डाल के क्या करूंगा,
नहीं, पराया धन है, पराया धन। ओहो, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं सल्लू भाई, मैं नहीं ले पाऊंगा। ले भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बायर ढूंढा, बायर ने मना कर दिया। ओ, अब 30 दिन पूरे। अब क्या विक्की अपनी इच्छा से ये शेयर कैट को दे सकता है? बोलो हां या ना। क्या अब कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं, अब हम सब हट गए, अब हम सब बीच में से हट गए हैं। अब ये दोनों शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। लो जी, और इस तरीके से ये कथा पूर्ण हुई। हां जी, शेयर ट्रांसफर की। समझ आया कॉन्सेप्ट? अब एक बार पढ़ के देखो जरा। अब पढ़ के देखो। बढ़ सकते हैं। अरे बोलो ना। हाँ अच्छा, अगर बायर क्या है, अगर बायर दूसरा आए तो आ तो कोई दिक्कत नहीं। 30 दिन के अंदर जितने मर्जी ढूंढो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 30 दिन का वक्त है तुम्हारे पास, ठीक है? आगे अच्छा रीड कर दो। इफ एनी मेंबर इंटेंड्स, इंटेंड्स का मतलब इच्छा रखता है, टू ट्रांसफर हिज शेयर्स, दे शेल बी ऑफर्ड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इफ द बोर्ड फेल्ड टू सर्च एनी सूटेबल बायर विद इन 5 or 7 or 10 or 15 or 90 days, डिपेंड अपॉन द आर्टिकल ऑफ कंपनी, मेंबर एट हिज ओन विल मतलब इच्छा, मे ट्रांसफर दीज शेयर्स टू एनी पर्सन। ठीक है, हटा दूं? बायर एक ही होना चाहिए या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं? भाई आप 1 करो 10 करो कोई दिक्कत नहीं है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर? दे आर सेम, दे आर सेम, सिवाय एक दो सर्कमस्टेंस को छोड़कर जिनकी चर्चा हम करेंगे आज से 5-6 क्लासेस के बाद। इफ एनी बोर्ड वॉन्ट टू बाय, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद बाय करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बॉक्स कंटिन्यू रहना चाहिए। नोट नंबर 3 आ गया। बॉक्स कंटिन्यू रहना चाहिए भाई साहब, बॉक्स कंटिन्यू रहना चाहिए। लो जी, नोट नंबर 3 पे आ गए हम। नोट नंबर 3, अगर बोर्ड ने बायर ढूंढा लेकिन उसको मेंबर शेयर नहीं बेचना चाहता, तो मतलब वो जो शेयर होल्डर है वो बेचना नहीं चाहता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसे बेचने पड़ेंगे क्योंकि उसने तो अपने शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफर कर दिया। ठीक है, नोट नंबर 3। लो जी, अब सुनना जी, नोट नंबर 3, कंपनी का नाम है पोपली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पोपली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, 23-24-22-23 रुपीज इन करोड़ सेल्स, 8,000, 2,000 नेट प्रॉफिट, 1,200। क्या लग रहा है, कंपनी सही चल रही है या बुरी चल रही है, क्या कहते हो? भाई साहब, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, मैं अपने घर पे आया तो मेरे दोनों छोटे पोपली वो भाई साहब ग्रिल पे खड़े होके नाच रहे हैं, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, वाह 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 वाह, क्या प्रॉफिट कमाया, पापा आ गए। मैं खुश, भाई साहब मूछें नहीं थी फिर भी मैं मूछें फिरा रहा था कि देखो डेल मारी है कि नहीं। अब हुआ क्या? बच्चों ने कहा पापा हमें भी दिखाओ कि कंपनी में आपकी कितनी इज्जत है, सारे आपको कितना प्यार करते हैं। मैं कहा बैठो, मैंने बिठाया अपनी गड्डी में और मैं उन्हें लेके गया अपनी फैक्ट्री में। फैक्ट्री के बाहर जैसे ही हम पहुंचे तो हजारों मजदूर बाहर खड़े हुए थे।
अच्छा, बच्चों ने कहा पापा ये बाहर क्यों खड़े हैं? मैंने कहा वो पापा का स्वागत कर रहे होंगे ना, हाथों हाथ उठा लेंगे शायद मुझे। मगर शक तो मुझे हुआ कि भाई काम के टाइम पे बाहर क्यों खड़े हैं। खैर, मैंने गाड़ी थोड़ी पहले ही रखवाई कि भाई कहीं अगर कहीं कुछ बोल भी रहे हो तो बच्चों तक आवाज ना जाए, कहीं वेजिटेरियन दे दी वहां पे पता लगा। फिर मैं पहुंचा मजदूरों के पास, मैंने कहा हां जी क्या हुआ? वो जोर जोर से नारे लगा रहे थे, पोपली हाय हाय, पोपली हाय हाय। मैंने कहा नालायक का बच्चे बैठे क्या कर रहे हो, क्या हुआ है? उन्होंने कहा अच्छा। एक मजदूर सामने आया, उसने कहा ये क्या है? मैंने कहा सेल्स। कहने लगा ये क्या है? मैंने कहा प्रॉफिट, बस यही पूछना था। कहने लगा नहीं, सवाल तो ये है हमें क्या मिला। मैं कहा तुम्हें क्या मिला? तुम्हें मिली सैलरी, तुम्हें मिले बोनस, तुम्हें मिला प्रोविडेंट फंड, तुम्हें मिली ग्रेचुटी, और क्या चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, और भी कुछ चाहिए। क्या हमें अधिकार नहीं है कि हमारे परिवारों के पास भी लाखों करोड़ों रुपए हो? मैंने कहा है, फिर क्या करूं? कहने लगे हमें पोपली इंडस्ट्रीज, जिसके लिए हमने जान लगा दी है, हमें इस इंडस्ट्रीज के शेयर्स चाहिए, वो भी सस्ते दामों पर। ओ, मैंने कहा तुझे चाहिए या सबको चाहिए? कहने लगा सबको चाहिए। मैंने कहा ओ, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंप्लॉयज को सस्ते दाम पर अपने शेयर्स दे रही है कंपनी, इसे कहते हैं इंप्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान, ई सॉप। क्या कहते हैं? ई सॉप। मैंने कहा भाई दे नहीं पाऊंगा मैं ई सॉप। ओ भाई साहब, उन्होंने कहा पोपली हाय हाय, पोपली हाय हाय। और मैंने कहा ओए होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ए हाय हाय सुन तो ले, क्यों नहीं दे पाऊंगा? उसने कहा हाँ बताओ। मैंने कहा देख भाई, मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर जिसे आप शेयर होल्डर भी कहते हो, वो आज की डेट में है 180। ठीक है? उसने कहा जी ठीक है। मैंने कहा तुम कितने मजदूर खड़े हो? उसने कहा 1,000। मैंने कहा अगर मैंने तुमको एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंतर्गत ईसॉप्स दे दिए तो तुम भी मेरे मेंबर बन जाओगे? उन्होंने कहा यही तो हम चाहते हैं। मैंने कहा नालायको, वही तो मेरी दिक्कत है कि मेरे टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 1,180, जबकि मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं, मेरे मेंबर 200 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात है, मतलब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो मतलब हमें सस्ते दाम पर शेयर नहीं मिलेंगे। मैंने कहा मेरा नहीं कसूर है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 200 की लिमिट होती है, मेरा तो कसूर नहीं है, कसूर सरकार का है। वहीं से सारे ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर भर के जंतर मंतर पे पहुंचे, भारत सरकार हाय हाय, भारत सरकार हाय हाय। सरकार ने कहा ओ ये क्या हुआ भाई? उनको देख के और भी लोग जुड़ गए, हर जगह नारे लग रहे हैं सरकार हाय हाय। सरकार ने कहा हुआ क्या? इन्होंने कहा अच्छा, हम प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियां हमें ईसॉप्स नहीं दे रही, कि ये कहते हुए कि अगर हमें ईसॉप्स दिए तो उनके नंबर ऑफ मेंबर 200 से ज्यादा हो जाएंगे, तो मतलब ये तो हमारे लिए गलत बात हो गई। सरकार ने कहा बात तो ठीक है भाई, इनको भी तो तरक्की का अधिकार है, तो अब क्या किया जाए? सरकार ने कानून पास कर दिया कि आज के बाद अगर किसी इंप्लॉई को आपने शेयर्स दिए, अगर किसी इंप्लॉई को आपने अपने शेयर्स दिए, तो फिर उसे 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि मेरे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने माने जाएंगे? 180 ही माने जाएंगे। तो इसका मतलब आज की डेट में अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने इंप्लॉयज को सस्ते दाम पर यानी कि ई सॉप्स दे सकती हैं, हां या ना? क्लियर हो गई इतनी बात?
यहां तक लिख लो, पहले यहां तक लिख लो, पहले यहां तक लिख लो, बुक्स कब तक आएंगी बेटा? अभी बताया 15 दिन तक आएंगी। लवीश क्या कर रहा बेटा? ठीक है, चलिए। तो यानी कि मैंने उनको माइनस कर दिया। ईसॉप्स का फुल फॉर्म बताइए एक बार। ये देखो, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, आशीष कुमार। चाय चलेगी? चाय चलेगी बढ़िया सी? मैं बताओ, आगे बढ़े। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। स्वेट इक्विटी क्या होता है? थोड़ी देर साइड पे रख दो, नहीं बताया अभी तक। स्वेट इक्विटी आएगा, सेक्शन 54 हमारे सिलेबस में ही है, वहां बताऊंगा स्वेट इक्विटी क्या होता है। बॉक्स कंटिन्यू रहना चाहिए, बॉक्स कंटिन्यू रहना चाहिए। सपोज इन अबव एग्जांपल, जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखवाया उसी के कंटिन्यूएशन में ही, आउट ऑफ 1000 एम्प्लॉइज 200 रिजाइंड आफ्टर रिजाइंड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट आफ्टर गेटिंग शेयर्स, ओके, बट कॉन्टिन्यू टू होल्ड सच शेयर्स इवन आफ्टर सच रेजिग्नेशन। लो जी, अब आपने बताना है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कंप्यूट मेंबर अंडर सेक्शन 268, बताइए जी। दो सौ मेंबर शेयर लेने के बाद एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुके हैं। अब क्या होगा? देखो जी, नंबर ऑफ मेंबर्स 180 प्लस ईसॉप्स मिला एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन 1000 को, तो हो गए 1180 माइनस। पहले तो करो एम्प्लॉय माइनस और फिर करो एक्स एम्प्लॉयज भी माइनस होंगे, यस, जो शेयर लेके बैठे हैं और रिजाइन कर गए हैं अब। हां जी, कितनों को शेयर मिले थे? 1000 को। कितनों ने रिजाइन कर दिया और शेयर होल्ड कर रहे हैं? 200। ये 200 माइनस हो गए। इंप्लॉइज कितने बचे हैं? 800। तो नंबर कितना रहा? अभी भी 180। लो जी, बताओ जी, यहां तक कोई भी दिक्कत? क्लियर हो गई इतनी बात भी? ठीक है जी, चले। अब हुआ क्या? आगे कहता है, अब आगे इसी के आगे पढ़वाता हूं, आगे पढ़िएगा क्या कहता है वो।
यहां तक नोटिंग हो गई ना, नोट कर लिया सबने, तब डन का मैसेज देना, ऐसे मत देना, पहले डन का मैसेज तब देना जब नोट कर लिया हो। ठीक है, हो गया नोट। ओके, अगर एक्स एम्प्लॉय सेल करना चाहते हैं अपने शेयर, कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफर होंगे। ठीक है, इससे ऊपर का शो कर दो। लो जी, क्लियर। हाँ जी, अब हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पे वापस आए तो पता लगा हमने ये वाला पढ़ लिया, सेकंड ये वाला पढ़ लिया, एक्स एम्प्लॉयज वाला पैरा पढ़ लिया, अब ये रह गया जॉइंट मेंबर वाला पैरा रह गया। जॉइंट मेंबर, जॉइंट मेंबर, जॉइंट मेंबर, जॉइंट मेंबर, जब कितने रहेंगे, जब वो दूसरे को शेयर करेंगे, 50 लोग हैं, 50 लोग। रोहित, क्वेरी क्लियर नहीं है बेटा, क्या कहना चाह रहा है? मैं रुक जा, टेलीग्राम आईडी बना देता हूं, उस पर लिख दियो। ठीक है, मैं अभी बता देता हूं। कुंदन, हाँ जी रोहित, 2 मिनट करना, लास्ट में भेजना क्वेरी। अभी अब मेरे ध्यान से निकल गया क्या पूछा तुमने, वो बड़ा सा क्या पैरा लिखा है, लास्ट में पूछ लेना, क्लास के बाद मौका दूंगा अभी। ठीक है, जॉइंट मेंबर, ये जॉइंट मेंबर क्या चीज है? जॉइंट मेंबर, लो जी, जॉइंट मेंबर क्या होता है, जॉइंट मेंबर क्या होता है? हाँ भाई कुंदन, इधर आओ, जॉइंट मेंबर, देखो जी ये है कुंदन। ठीक है ना, अब आपको कभी भी क्लास में कोई भी चीज, मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई क्लास आपकी अपलोड वगैरह नहीं हुई होगी, तो कुंदन और विनीत, मैं दोनों का आपको नंबर दूंगा जिनसे आप कॉल कर सकते हो। ये कुंदन है, एक बार हेलो करो, आज हेलो पहला पहली पहली क्लास है, हेलो करो, हेलो 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 हेलो। हाँ जी, अब सुनो जी, अब हुआ क्या कि पोपली, अरे इधर आ नालायक, अब हुआ क्या कि पोपली इंडस्ट्रीज के 199 मेंबर्स थे, अब एक दिन 199 मेंबर पोपली इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के। ठीक है, अब ये आया, चेहरा लटकाया हुआ था, लटका चेहरा था, पता हंस रहा है, चेहरा लटकाना है, हाँ यूं लटका हुआ था चेहरा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा नहीं सर, बड़ा जिंदगी ऐसे चल नहीं रही, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, ये जिंदगी है क्या, बस एक कटी पतंग है। ओहो, मैंने कहा इमोशनल लग रहा है, तो क्या हुआ? कहने लगा बस ऐसा ऐसा, मतलब खर्चा चल नहीं पा रहा। मैंने क्या किया, पोपली इंडस्ट्रीज के शेयर सर्टिफिकेट इसको दे दिया। लो जी, ये शेयर सर्टिफिकेट इसके हाथों में चला गया। अब बताइए मेरे कंपनी के कितने मेंबर हो गए हैं, मान के चलना ये मेरा इंप्लॉय नहीं है, मान के चलना ये इंप्लॉय नहीं है। हाँ जी, कितने मेंबर हो गए? 200 मेंबर हो गए। ओहो 200, शाबाश। अब कुंदन का विवाह संपन्न हुआ, कुंदन आया मेरे पास, कहने लगा सर विवाह हो गया। मैं कहा बहुत बहुत मुबारक हो। कहने लगा नहीं नहीं सर, मुबारक तो ठीक है, मगर वाइफ का नाम भी इसमें आना चाहिए, यही कहा तुमने? मैंने शेयर सर्टिफिकेट पे चेंज किया, मैंने कहा मिस्टर एंड मिसेस कुंदन, अब बताओ मेरे कितने मेंबर हो गए, बताओ बताओ कितने मेंबर हो गए, फटाफट बताओ। अब भी 200 हैं। ओहो, फिर 2 साल बाद आया, कहने लगा सर घर पे चिंटू पिंटू का जन्म हुआ है, अब सवाल उठा शेयर सर्टिफिकेट फिर चेंज कर दो। अब क्या, मैंने कहा चिंटू पिंटू, मिस्टर कुंदन, मिसेस कुंदन, अब कितने मेंबर हो गए, अब कितने हो, अभी भी 200 रहे। अरे बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी से प्रेरणा क्या मिलती है कि तुम अगर परिवार बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, मेंबर एक ही होगा। देखा, ये भी सीए कर सकता है। हां जी, मेंबर वही का वही रहेगा, परिवार बेशक बढ़ता रहे, जॉइंट मेंबर जितने मर्जी हो जाएं, परिवार मेंबर एक ही काउंट होगा। ठीक है, बोलो डन का मैसेज। तो यानी कि मिस्टर राम प्लस मिसेस राम
इज इक्वल टू वन मेंबर है, एक ही मेंबर काउंट होंगे। ओहो स्क्रीन, अरे बताओ स्क्रीन कमाल हो गई, लो जी स्क्रीन। ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। नोट नंबर हमारा तीन भी पूरा हुआ, अब हम नोट नंबर चार की तरफ आ रहे हैं। बड़ा भयंकर शब्द है भाई साहब, प्रोहिबिट, यानी कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। अरे छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे रे। नोट नंबर चार, नोट नंबर चार। ओके वर्ड यूज हुआ है प्रोहिबिट। ओके एक वर्ड यूज हुआ है, देखो उसी के अंदर ही सिक्योरिटीज। फिर एक वर्ड यूज हुआ सब्सक्राइब, एक वर्ड यूज हुआ इनविटेशन टू पब्लिक। ये सारे शब्द यूज हुए हैं, बोलो हां या ना, ये सारे शब्द यूज हुए हैं वहां पर। अच्छा प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंपॉसिबल। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? चाहे शेयर्स कह दो या डिबेंचर्स कह दो, शेयर्स या डिबेंचर्स। ओके सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एप्लीकेशन देना टू कंपनी फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। कंपनी को एप्लीकेशन देना कि हां जी हम आपके सिक्योरिटीज शेयर्स या डिबेंचर्स लेना चाहते हैं। अच्छा बॉन्ड्स भी सिक्योरिटीज का पार्ट से, बॉन्ड्स डिबेंचर्स ही होते हैं बेटा। ठीक है इनविटेशन टू पब्लिक, इसका मतलब है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस तो ये सारे टेक्निकल वर्ड को मैंने थोड़ा सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट किया। अब पूरी स्टेटमेंट पढ़ के देखो जरा, क्या मैं कह सकता हूं कि पूरी स्टेटमेंट पढ़कर कहानी से प्रेरणा क्या मिल रही है? वी मे कॉन्क्लूड दैट। कंक्लूजन क्या है मेरा? मेरा पहला कंक्लूजन ये है, मुझे बताना मैं सही कह रहा हूं कि नहीं, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती पब्लिक को, ठीक है जी। दूसरी बात, एंड पब्लिक कैन नॉट अप्लाई फॉर शेयर्स पब्लिक डिबेंचर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये कंक्लूजन पढ़ के मुझे बताना कोई दिक्कत? बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। एक जमाने में होता था 2013 से पहले, बट अब नहीं है, अब दोनों बिल्कुल सेम है। नॉर्मली जो कंपनी जो गवर्नमेंट इशू करती है उसे बॉन्ड्स, और जो प्राइवेट वाली इशू करती है प्राइवेट सेक्टर उसे हम डिबेंचर्स कह देते हैं, बट दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही डिबेंचर्स हैं। हां जी बताओ जी बताओ, कोई भी दिक्कत? क्या एकदम ये स्टेटमेंट क्लियर है? क्या आज के बाद मैं आपसे पूछूं कि बोलो 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 कि क्या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकती है पब्लिक को?
क्या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नहीं, बॉक्स अभी बंद नहीं करना, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है पब्लिक को? बिल्कुल नहीं कर सकती। क्या पब्लिक कभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकती है? क्या पब्लिक कभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ले सकती है? आपने कहा जी बिल्कुल वो भी नहीं ले सकती। ओ माय गॉड। तो अब सवाल उठा कि जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, तो मेरा अगला सवाल है कि क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है? अभी तो कहा पब्लिक को नहीं कर सकती, बट मेरा सवाल दूसरा है। मैंने कहा क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है? हाँ या ना? बड़ा सोच समझ के बताना, हाँ या ना। मैंने कहा ना फाउंडेशन में डेफिनेशन पड़ी होगी, आज समझने वाले हो। इफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन हैव शेयर कैपिटल, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर कैपिटल हो सकती है? हाँ या ना? द आंसर इज हाँ, पर वो पब्लिक को नहीं हो सकती इशू। है जी, ये क्या मतलब हुआ? बिल्कुल बताते हैं ना। यस, दे कैन नॉट इशू शेयर्स इवन दो दे कैनॉट इशू शेयर्स टू पब्लिक, हाउएवर दे कैन इशू शेयर्स थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। पर ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जरूर शेयर्स इशू कर सकते हैं। ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स इशू जरूर कर सकते हैं। अब ये एक नई टर्म आ गई, प्राइवेट प्लेसमेंट। ये क्या होती है? चलिए देखते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है। यहां तक लिख लिया? अब समझिएगा प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। देखो जी, मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स दो तरीके से इशू किए जा सकते हैं। कोई भी कंपनी दो तरीके से शेयर्स इशू कर सकती है। पहला तरीका जिसे आज तक आप जानते रहे हो, उसे कहते हैं पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक ऑफरिंग, जहां आप शेयर पब्लिक को इशू करते हो, पब्लिक आपके शेयर्स के लिए अप्लाई करती है। दूसरा तरीका होता है केवल अपने जान पहचान वाले लोगों को शेयर देना, जिसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक ऑफरिंग के अंदर कंपनी जो है ऑफर करती है, ऑफर इट्स शेयर्स टू पब्लिक। और प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी ऑफर इट्स शेयर्स टू नॉन फ्रेंड्स ऑब्लिक रिलेटिव्स एक्सेट्रा। लो जी, यहां तक लिख लो। सर, इन केस वेयर एन एक्स एम्प्लॉय होल्ड शेयर्स एंड फर्दर दे ट्रांसफर इट टू अनदर, देन दे आर काउंटेड। जब उन्होंने बेच ही दिए शेयर रितिका, तो फिर वो काउंट कैसे होंगे? मतलब वो तो शेयर बेच चुके हैं ना, बट जिसको उन्होंने बेचे वो काउंट होगा। ठीक है,
क्लियर हो गई इतनी बात? चलो जी, जब भी आप पब्लिक ऑफरिंग करते हो तो पब्लिक ऑफरिंग के अंदर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस पब्लिक ऑफरिंग, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर कोई प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी प्रोस्पेक्टस प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं चाहिए होता। ओके, हां जी, डिबेंचर्स भी प्राइवेट प्लेसमेंट में आ सकते हैं। आगे दूसरी बात, जब भी आप पब्लिक ऑफरिंग करते हो तो पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है 200 से ज्यादा, पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है 200 से ज्यादा लोग, 200 से ज्यादा लोग, यानी कि मोर देन 200 मेंबर्स। परंतु प्राइवेट प्लेसमेंट होता ही 200 लोगों तक को है, अप टू 200 मेंबर्स। यहां तक लिख लो, पहले यहां तक लिख लो। लिख लिया? तो 200 लोगों तक प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, 200 से ऊपर पब्लिक ऑफरिंग होती है। अगली बात, अगली बात, पब्लिक ऑफरिंग कौन कर सकता है? केवल कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर सकती है, कंपनी ओनली। ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट कौन कर सकता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी कर सकती है एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कर सकती है, दोनों कर सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, दोनों कर सकती है। बताओ जी, यहां तक कोई भी दिक्कत? तो पब्लिक ऑफरिंग केवल पब्लिक लिमिटेड करेगी, प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट और पब्लिक दोनों कर सकती है। क्लियर हो गई इतनी बात? क्लियर हो गई। अब एक और बात, श्लोक थोड़ी देर यहां पे ध्यान देना बेटा। अब एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है अब। हां जी, पब्लिक ऑफरिंग आप कैसे करते हो? पब्लिक ऑफरिंग आप कैसे करते हो भाई साहब? आप पब्लिक को शेयर दे रहे हो, कैसे दोगे पब्लिक को शेयर? पब्लिक को शेयर कैसे दोगे? कैसे? इसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है पहले। इसे कहते हैं लिस्टिंग। क्या कहते हैं? लिस्टिंग। यानी कि पब्लिक ऑफरिंग के नीचे लिखना, पब्लिक ऑफरिंग के नीचे लिस्टिंग, जिसे आप रजिस्ट्रेशन कहते हो एट स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराना पड़ता है, ठीक है? इसलिए इन कंपनीज को, दीज कंपनीज आर आल्सो कॉल्ड लिस्टेड कंपनीज। इन कंपनीज को आप क्या पुकार सकते हो? लिस्टेड कंपनीज भी पुकार सकते हो। हर वो कंपनी जिसने पब्लिक को शेयर्स दिए होंगे उसे आप लिस्टेड कंपनी के नाम से पुकार सकते हो। किस नाम से पुकार सकते हो? लिस्टेड कंपनी के नाम से। बात इतनी क्लियर हो गई? चलिए, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है? क्या इसके शेयर पब्लिक ने लिए होंगे?
क्या इसके शेयर पब्लिक ने लिए होंगे? लिस्टेड कंपनी का मतलब, हां लिस्टेड का मतलब है क्या इसके शेयर्स या डिबेंचर्स पब्लिक के पास होंगे? पब्लिक का मतलब क्या, 200 तक या 200 से ऊपर? 200 से ऊपर अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा? अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा? हां, प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा। ओके, अब क्या इन कंपनीज को लिस्टिंग रिक्वायर्ड है? नो लिस्टिंग रिक्वायर्ड। ओके, इन कंपनीज को हम लोग नाम देते हैं, दीज कंपनीज आर ऑल्सो कॉल्ड अनलिस्टेड कंपनीज। अपन लोग इन्हें अनलिस्टेड कंपनी का नाम देते हैं। क्या देते हैं? अनलिस्टेड कंपनी। इन कंपनीज को हम लोग अनलिस्टेड कंपनीज भी कहते हैं। ठीक है जी, पब्लिक कंपनी हमेशा लिस्टेड होती है हर्षिता? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मैं अभी बता इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैंने पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन नहीं लिखवाई, अभी मैंने केवल प्राइवेट कंपनी कहा है। तो अब मुझे एक बात बता दो, क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, हां या ना? बिल्कुल हां, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स कैसे इशू करती है? कैसे इशू करती है? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। अब आपको मैं घटना सुनाता हूं, घटना सुनना। सहारा रियल एस्टेट लिमिटेड, सहारा रियल एस्टेट लिमिटेड पब्लिक कंपनी थी, मगर इन्होंने क्या किया, 30 लाख लोगों से पैसा रेज किया। 30 लाख लोगों से पैसा रेज किया। भाई एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है अपना, नाम है टारगेट सेवन मिशन 70+। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, मैं अभी पूरा आईडी भी दे देता हूं इस ग्रुप का। ठीक है, अब पहले सहारा की कथा सुनो। सहारा रियल एस्टेट लिमिटेड 30 लाख लोगों से 17,000 करोड़ इन्होंने रेज किया डिबेंचर्स की फॉर्म में, यानी कि सिक्योरिटीज की फॉर्म में पैसा उठाया। अब पैसा चुकाने के लिए पैसा नहीं था, डिबेंचर्स वापस कैसे लौटाएं, पैसा नहीं था, तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, अब ना हम शेयर्स इशू करते हैं, शेयर्स इशू करके जो पैसा आएगा उससे डिबेंचर्स को पे कर देंगे। तो ये पहुंचे सेबी के पास कि सेबी 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 हमें ना ये रहा हमारा प्रोस्पेक्टस, हमें अलाउ कर दो कि अब हम शेयर्स इशू करें ताकि अपने डिबेंचर्स को पेमेंट कर सके। सेबी ने इनको प्रोस्पेक्टस, इनके प्रोस्पेक्टस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और कहा कि हम आपको नहीं लाने देंगे, हम आपको ये शेयर्स इशू नहीं करने देंगे। भाई साहब, सहारा की अपनी डेल थी, उसने कॉलर ऊपर किया सहारा ने और पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, जज साहब ये अभी आज लौंडा पैदा हुआ है, ये सेबी नाम का 1992 में, 2003 में इसे पावर मिली है और ये हमें सहारा, भारत है हमारा, हम है सहारा, हमें मना कर रहा है कि हम पब्लिक इशू नहीं ला सकते, हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते पब्लिक को। जज ने पूछा सेबी से, क्यों भाई सेबी, क्या दिक्कत है, तुम क्यों नहीं करने दे रहे इन्हें? सेबी ने कहा, जज साहब इनसे एक बात पूछो कि इन्होंने 30 लाख लोगों से पैसा मंगाया, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया, पब्लिक ऑफरिंग की है। सहारा ने कहा हमने पब्लिक ऑफरिंग की नहीं क्योंकि हमने तो प्राइवेट प्लेसमेंट किया है। जज ने कहा वो कैसे? सहारा ने कहा वो ऐसे कि ये जो 30 लाख लोग हैं ये तो हमारा परिवार है,
सहारा परिवार है ये सारे का सारा 30 लाख लोग, तो हमने तो पब्लिक की नहीं, पब्लिक के पास तो हम गए नहीं, क्योंकि ये तो हमारा परिवार है। वाह कमाल गड्डी बात भाई साहब, कमाल हो गई। 30 लाख लोगों का परिवार, ये कौन सा परिवार है? तुम एक अलग कंट्री क्यों नहीं बना लेते भाई? हमने सुना था धृतराष्ट्र के बारे में, वो उसके भी 100 थे यार, उसके भी 100 ही थे, और ये 30 लोगों का परिवार, 30 लाख लोगों का परिवार। तो भाई साहब तुम्हारे तो 2-4 छोटे मोटे बांग्लादेश बन जाएंगे। ये तो कमाल हो गई बात। तो जज ने समझाया इन्हें कि सुनो मेरे लाल मेरे प्यारे, मिले हरे मेरे रंगीले, ध्यान से सुनो, ये जो परिवार वरिवार है ना, इसकी लिमिट है कितनी? 200 तक। तुम कह रहे हो तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है, प्राइवेट प्लेसमेंट की लिमिट है 200। 200 से ऊपर जैसे ही निकले 200 से ऊपर जैसे ही गए, इसका मतलब तुमने क्या किया है? 200 से ऊपर जैसे ही गए मतलब तुमने क्या किया है? पब्लिक ऑफरिंग की है, और पब्लिक ऑफरिंग की है तो तुम्हें प्रोस्पेक्टस इश्यू करना था जो तुमने नहीं किया। पब्लिक ऑफरिंग करनी है की है तो तुमने लिस्टिंग करवानी थी स्टॉक एक्सचेंज में जो तुमने नहीं की। पाप तो तुमने किया है, तो इसलिए जेल हुई किसको? सुब्रतो रॉय सहारा को, उन्हें जेल जाना पड़ा इस कारण से। समझ आई बात? वो लॉ पढ़ना भूल गए थे दोनों तरीके से। अरे कंपनियां कैसी कैसी मिस्टेक करती हैं, मैं तुम्हें अब क्या बताऊं। मैं ये बताता रहता हूं हर दूसरे दिन आकर कॉर्पोरेट न्यूज के अंदर। आप सबको मैं कहूंगा, अमित पोपली यूट्यूब चैनल है, हर दूसरे दिन, जैसे कल आई थी न्यूज, अब आज छोड़ के परसों आएगी न्यूज, मैं कॉर्पोरेट न्यूज बताता रहता हूं, कॉर्पोरेट घटनाएं बताता रहता हूं, बताता रहता हूं कि कंपनियां कैसे कैसे लॉ में बेवकूफियां कर रही हैं, कैसे कैसे बेवकूफियां कर रही हैं। तो ये सारी घटनाएं मैं बच्चों को ज्ञान देता रहता हूं, सभी बच्चों को। तो यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके रखना, आज या कल के अंदर मैं आऊंगा उसके अंदर डिस्कशन करूंगा मैं कुछ कॉर्पोरेट न्यूज की। हाँ जी, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे बेटा, आपने शायद सुना नहीं, हर 15 दिन में टेस्ट होगा और उस टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज, एमसीक्यूज भी बिल्कुल एग्जाम वाले, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी वाले आएंगे, प्लस साथ में भगवान आपका भला करे डिस्क्रिप्टिव केस स्टडीज आएंगी। ठीक है, यहां तक बताइए जी, कोई भी दिक्कत? यहां तक कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, गुड वन। अब कल की क्लास में अब हम आगे करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर मैं आपको कल लेके जाऊंगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर, वहां मैं आपको कंपनियां ढूंढना सिखाऊंगा कि किसी कंपनी को कैसे ढूंढा जाता है और किसी कंपनी को कैसे पहचाना जाता है कि यह कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, पब्लिक है तो लिस्टेड है, लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, ये कैसे पता लगता है। कल हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाकर ये सारा रंगारंग कार्यक्रम करेंगे कल की क्लास के अंदर। ठीक है जी, तो आज बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटर में आने के लिए, इंटर में कदम रखने के लिए। अब मैंने डेमो सेशन के अंदर भी बताया था, दो आपने बस दो प्रिंसिपल बना के चलने हैं, उन प्रिंसिपल पे अगर आप चल लिए तो समझ लो इंटर फर्स्ट शॉट और फाइनल भी फर्स्ट शॉट निकलेगा। दो प्रिंसिपल में से पहला प्रिंसिपल है टेस्ट। अगर मैंने कहा है कि मैंने 16 टेस्ट लेने हैं आपके एग्जाम तक नवंबर तक, जिसमें से 8 टेस्ट मेरे से डिस्कस होंगे आपके, तो ये कसम खा लो कि 8 में से कम 5 टेस्ट आपने मुझसे जरूर डिस्कस कराने हैं। अगर वो 5 टेस्ट भी आपके कम से कम डिस्कस हो गए, कम से कम जो 8 वाले हैं, तो वो तो देखेंगे अपना रिजल्ट खुद ही, ताकि मैं ये बता सकूं आपको कि कहां वीकनेस आ रही है। तो मैं आपको मार्क्स नहीं देता, मैं केवल आपकी वीकनेस बताता हूं। मेरी टीम आपको टेस्ट में मार्क्स देती है ताकि आप पता लगे कि हम पिछली बार से कितने मार्क्स ले पाए हैं। तो कसम खा लो, पहला आपने टेस्ट देने ही देने हैं, और दूसरा कंसिस्टेंसी इन स्टडी रखना। अभी क्या होना चाहिए, जितना हो रहा है हर क्लास के अंदर बस आपको वही जाके घर पे पढ़ना है, बस उतना। लॉ के अंदर कभी आपको होमवर्क नहीं मिलेगा,
दो या तीन दिन छोड़कर बस, कभी आपको होमवर्क नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितना क्लास में हुआ उसे अच्छे से पढ़ना शुरू करो, और 1 मार्च से जो सेशन होगा उसके अंदर मेरे साथ बैठकर याद करना भी शुरू करना, क्योंकि हम पहला टेस्ट लेने वाले होंगे 10 मार्च के करीब। तो 10 मार्च के करीब पहला टेस्ट होगा, इसलिए अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना ठीक ठाक, ताकि उस टेस्ट के अंदर, सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर लिख सको। टेस्ट से पहले मैं टेस्ट में मैं कैसे लिखा जाता है पेपर में, मैं इसका एक सेशन जरूर लूंगा ताकि तुम्हें टेस्ट देने में मदद मिल सके। हाँ जी, लाइव क्लासेस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम येल्लो। भाई कमाल ही हो गया। अरे बेटा अमीशा दुबे, ये लाइव ही है, ये लाइव ही है, लाइव ही है ये, और आगे भी लाइव ही चलेंगी। हे मां मत जे, बताओ कैसी कैसी बातें कर दी। हाँ फिलहाल टेलीग्राम, टेलीग्राम सुन लेना, टेलीग्राम जिनकी कोई भी क्वेरी पेंडिंग रह गई है टेलीग्राम पे, वो आ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता देता हूं। टेलीग्राम, टेलीग्राम नाम है इंटर लॉ मिशन 70+, लंबा ही नाम हो गया भाई, बस मिशन 70+ ही करते हैं, बस इतना ही करते हैं, बस ये नाम है जी। और जिन्हें ऐसे ना मिले वो ऐसे टाइप करें https://mission70+ca। लो जी मिल जाएगा आपको। हाँ, बॉक्स बंद कर दो भाई, बॉक्स बंद कर दो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन पूरी हुई, इसमें मैसेज भेज पाओगे, अभी मैं अलाउ कर दूंगा, अभी थोड़ी देर में अलाउ हो जाएगा, डोंट वरी, पहले बच्चों को ज्वाइन करने दो, वरना हेलो हाय वेलकम ये वो उटपटांग मैसेज शुरू हो जाएंगे। पहले आने दो बच्चों को, आने दो पहले। जिसने मैसेज में भेजा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या ये भगवान शंकर के 11 नाम हैं, 10 लोगों को भेजें, उसको मैंने कर देना ब्लॉक। मैं कंफ्यूजन रहती है यार, भेजें कि ना भेजें, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करनी। चलो जी धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं हम, टेक केयर भाई। जिनकी क्वेरी रह गई ये श्लोक, अभी मैं ग्रुप ओपन करूंगा, वहां पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय।